गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बिग डेटा, डेटा साइंस, एआई और मशीन लर्निंग के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन को देखेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हम ये देखेंगे कि डेटा साइंस क्या है और ये किस तरीके से वर्क करती है। ओवरऑल अगर हम इसके कंटेंट को देखें जो कि हमारे चैनल के तवसुत से आपके तक ये डिलीवर होगा, तो उसके अंदर हम बहुत सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर डेटा साइंस है, बिग डेटा है, इसकी एग्जांपल्स हैं, प्रैक्टिकल ओएलटीपी डीएसएस सिस्टम है, डेटा माइनिंग है, मशीन लर्निंग है, पाइथन है। तो ये सारी चीजें हम इस चैनल में वन बाय वन आपको शॉर्ट ट्रेनिंग फॉर्म्स के अंदर विद प्रैक्टिकल अप्रोच इसके अंदर डिस्कस करेंगे। डेटा साइंस बेसिकली एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा है फ्रॉम द वैरायटी ऑफ द डिफरेंट डेटा सोर्सेस। यानी हम ये देख रहे होते हैं डेटा साइंस के अंदर हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे डिफरेंट सोर्सेस से और उससे हम डिसीजन मेकिंग करेंगे जो कि एक्यूरेट हो। अब एक्यूरेट कब होगी? कोई भी डिसीजन कब एक्यूरेट होता है? जब हमें पता हो कि वाकई इसकी पॉजिटिवनेस है, इससे 100% रिजल्ट हमारे पास हासिल होंगे। अगर कोई भी डिसीजन हमारा फेल हो जाता है किसी भी बेसिस के ऊपर, तो हम फेलियर की तरफ चला जाता है। तो कोई भी फेल होना नहीं चाहता, बल्कि हर एक बंदा ये चाहता है कि उसकी डिसीजन के अंदर एक्यूरेसी है। तो डेटा साइंस ये आपको प्रोवाइड करती है, एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है। इन शॉर्ट ये कि हम ये कह सकते हैं डेटा साइंस से हम फ्यूचर देख रहे होते हैं। हम ये देख रहे होते हैं हमारी जो एक्सट्रैक्शन है, हम जो डिसीजन लेने वाले हैं वो एक्यूरेट होगा, इतना एक्यूरेट होगा कि हम उसके फेलियर को भी जानते हैं। अगर फेल होगा तो इस वजह से होगा, वरना ये 100% एक्यूरेट डिसीजन है। अब डेटा साइंस ये एक्यूरेट डिसीजन किस तरीके से ले रही है, ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ साइंसेस से इसकी चीजों को उठा रही होती है, जिसमें कंप्यूटर साइंस है, इसमें मैथ है, इसमें स्टैट्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेटा साइंस जो है मल्टी डिसिप्लिन फील्ड है, जिसके अंदर जो चीजें हमारे पास आई है एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा के लिए, फ्यूचर को देखने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, वो बेसिकली बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसके अंदर आपके पास कंप्यूटर साइंस भी है, इसमें स्टैट्स भी है, उसमें मैथ्स भी है, उसके अंदर आपके पास बिजनेस स्ट्रेटजीज है यानी इकोनॉमिक्स वगैरह, ये सारी चीजें मिलके हमें एक डाटा साइंस की सूरत में हमारे पास मौजूद है, जो कि जिसको हम एक नई साइंस कह सकते हैं। और इससे हम क्या काम कर रहे हैं? डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। इन शॉर्ट ये कि हम फ्यूचर को देख रहे हैं। तो डेटा साइंस बेसिकली आपके पास मल्टीपल फील्ड्स का मजमूआ, और इससे हम मल्टीपल फील्ड के बारे में राय दे रहे हैं, वो चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, चाहे वो फाइनेंस की हो, चाहे वो प्रोक्योरमेंट्स की हो, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंजेस की हो, किसी भी फील्ड के बारे में हम डेटा साइंस के बारे में पूछ रहे होते हैं। अब जो डेटा साइंस अपना डेटा को गेट कर रही होती है, वो भी वैरायटी ऑफ डिफरेंट डेटा सोर्सेज से करती है। यानी आपके पास अगर हम कोई भी बिजनेस एनालिसिस करना चाहें तो हम मार्केट को भी देखेंगे, हम उसके इंटरनल डेटा को भी देखेंगे, हम वेदर कंडीशंस को भी देखेंगे, ये सब चीजों को देखेंगे। तो हमारे पास जो खाली एक जो वेयर हाउस है किसी भी कंपनी का, वो इनफ नहीं होगा, बल्कि हम ओवरऑल डेटा के एक्सट्रैक्शंस को देखेंगे और उसके बाद हम कोई एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करें। ये सब जो डेटा है वो तो डिफरेंट वेराइटी के फॉर्म्स के अंदर मुसलसल जनरेट हो रहा है। तो डेटा साइंस का काम क्या होता है? उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना और उसके बाद फिर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना।